हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 11 से चैप्टर लिया है हमने ट्रिग्नोमेट्री और ये जो क्वेरी हमें भेजा है वो भेजा है रिशिता जी ने। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, एक शानदार क्वेश्चन है चार मार्क्स का। कह रहा है कि इफ एक्स इज इक्वल टू सेक फाई माइनस टेन फाई एंड वाई इज इक्वल टू कोसेक फाई प्लस कॉट फाई तो शो करके दिखाना है एक्सप्रेशन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, ये बिल्कुल रेगुलर पैटर्न का क्वेश्चन नहीं है कि आप LHS से स्टार्ट करिए RHS तक पहुंच जाइए, या इसका कुछ क्वेश्चन कुछ अलग ही तरीका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमें प्रूफ करना है उसी को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो बड़ा आसानी से आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, x माइनस वाई को एक तरफ कर लिया और सबको उधर ले गया, तो देखिए मतलब क्या कि x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन और माइनस का एक्स वाई, ठीक है। फिर कितना हो गया, देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो वन प्लस एक्स वाई। अब मैं क्या करूंगा, इस एक्सप्रेशन के LHS और RHS को प्रूफ कर दूंगा ये वैल्यू इंसर्ट करके। देखिए बड़े आसानी से आंसर आ जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या लिया, मैंने लिया LHS। अब क्या है मेरा LHS, दैट इज इक्वल टू x माइनस वाई, x का वैल्यू गिवन है, y का वैल्यू गिवन है, पुट करेंगे और अपना LHS लेकर आएंगे। तो चलिए x का वैल्यू डालते हैं, तो ये आएगा sec phi माइनस का tan phi ब्रैकेट फिर माइनस cosec phi प्लस cot phi और ब्रैकेट, ठीक है। अब जरा ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट, तो ये आएगा sec phi माइनस का टेन फाई माइनस का कोसेक फाई और माइनस का कॉट फाई, ठीक है। अब अगला स्टेप देखिए जो याद रखने वाला है कि ये टेन और जो कॉट है इसको एक साथ रख लीजिए और साइन कॉस में चेंज कर लीजिए। तो देखिए किस तरह से आएगा, ये आएगा सेक फाई माइनस का कोसेक फाई, अब माइनस दोनों एक साथ रखते हैं और माइनस कॉमन लेते हैं तो ये आएगा टेन फाई और प्लस कॉट फाई। अब यहाँ टेन और कॉट की वैल्यू को साइन और टर्म में खोलते हैं, आएगा sec phi माइनस cosec phi माइनस ऑफ tan phi, tan phi होता है sin phi अपॉन cos phi प्लस और cot होता है ऐसे ही cos phi और अपॉन sin phi, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, अगला स्टेप देखिए, तो आएगा sec phi माइनस का cosec phi ब्रैकेट, एलसीएम देखिए कितना आएगा, एलसीएम आएगा sin phi cos phi, ठीक है। तो ऊपर कितना आया देखिए, ये आएगा sin square phi प्लस ऐसे यहां पर आएगा कॉस स्क्वायर फाइव। तो आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव वन होता है, तो यहां कितना आ जाएगा देखिए, ये आएगा सेक फाइव माइनस कोसेक फाइव माइनस वन अपॉन साइन फाइव और कॉस फाइव, इसे ऊपर ले आइए तो एक तरह से हमारा LHS आ गया, सेक फाइव माइनस कोसेक फाइव माइनस ऊपर लाइए कोसेक फाइव और सेक फाइव, ठीक है। ये रहा हमारा LHS, बस इसको प्रूफ करेंगे RHS सेव लाकर, ठीक है। तो चलिए RHS लिखते हैं अपना, तो RHS कितना हमारे पास, वो है माइनस ब्रैकेट में वन प्लस एक्स वाई, तो ठीक है माइनस बाहर रहेगा, वन प्लस एक्स का वैल्यू फिर वही और वाई का वैल्यू वही, पुट करते हैं और इंटू करना है आपस में, तो ये हो गया सेक फाई माइनस का टेन फाई और वाई का वैल्यू है कोसेक फाई और प्लस कॉट फाइव। अब जस्ट मल्टीप्लाई करना है और इसे मैच करा देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस बाहर, अब वन प्लस सेक को दोनों से इंटू फिर टेन को दोनों से इंटू, तो देखिए कितना आएगा, ये आएगा सेक फाइव को सेक फाइव फिर आएगा आपके पास प्लस सेक फाइव कॉट फाइव फिर इधर देखिए माइनस का टेन फाइव और कोसेक फाइव और फिर माइनस का टेन फाइव और cot phi, ठीक है। अब देख सकते हैं कि tan phi cot phi कट के 1 आ जाएगा। फिर अगला स्टेप देखिए, माइनस ब्रैकेट 1 प्लस ये हुआ sec phi cosec phi, कोई चेंज नहीं। अब जरा यहां cot को खोलते हैं, तो sec phi और ये cot होता है cos phi upon sin phi, ठीक है। ऐसे ही देखिए यहां पर माइनस, फिर इस tan को खोलिए तो sin phi और cos phi और cosec को अभी cosec लेने दीजिए। अब देखिए ये कितना हो गया, टेन और कॉट कट गया तो वन बचा, तो ये गया माइनस का वन, ठीक है। अब प्लस का वन और ये माइनस वन कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा माइनस, अब भी बाहर है, यहाँ कोई चेंज नहीं, एज इट इज रहने दीजिए सेक फाई और कोसेक फाई। अब ध्यान से देखो सेक और कॉस आपस में एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, कट गया क्या बचेगा वन अपॉन साइन फाई। ऐसे देखिए साइन और कोसेक एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, कट गया क्या बचा वन बचा, तो ये बचा माइनस का वन अपॉन और कॉस फाइव, ठीक है। इन ऊपर ले आइए तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ
sec phi cosec phi plus cosec phi और माइनस का sec phi, ठीक है। देखिए मैच करा लेते हैं, हाँ जरा माइनस में अंदर ले लेते हैं, तो ये आएगा माइनस का cosec phi और sec phi, फिर माइनस का cosec phi और प्लस का sec phi। जरा चेक करके देखते हैं, माइनस का sec cosec, माइनस का sec cosec, माइनस का cosec, माइनस का cosec, प्लस का sec और प्लस का sec। तो दिस प्रूव्स दैट LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है, चार मार्क्स का लेवल है। क्वेश्चन दिया है कि इफ थीटा लाइन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और cos थीटा का वैल्यू दिया है 8/17, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। देखिए कुछ नहीं करना, cos a + b का फार्मूला, cos a - b का फार्मूला और cos a - b का फार्मूला इंसर्ट करते हैं। तो चलिए, तो व्हाट इज cos a + b, cos a + b होता है cos a cos b - sin a sin b। तो लगाते हैं cos a cos b - sin a और sin b, ठीक है, ब्रैकेट बंद, प्लस ऐसे यहां पर देखिए cos a माइनस b, फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। तो फॉर्मूला आते हैं cos a cos b प्लस sin a और sin का b, फिर प्लस, फिर वही cos a माइनस b, सेम फॉर्मूला ही है, तो cos a cos b प्लस sin a और sin का b। अब एक चीज समझनी है आपको, यहां पर इसकी वैल्यू डायरेक्ट होती है, हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू होती है, cos थीटा दिया हुआ है, अब दिक्कत है sin थीटा नहीं है, ठीक है, वैल्यू डायरेक्ट होती है, cos थीटा दिया हुआ है, वैल्यू डायरेक्ट होती है, फिर भाई sin थीटा की दिक्कत यहां पर भी आ रही है। ऐसे ही देखो, यहां पर cos थीटा गिवन है, cos 20 निकाल लूंगा बड़ा आसानी से, sin 20 निकाल लूंगा और sin थीटा नहीं है। कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि पहले cos थीटा 8/17 को यूज करते हुए आप पहले sin थीटा निकाल लो, ठीक है, सबसे आसान तरीका देखिए क्या है, अब 11th क्लास में ये तरीका आप यूज करें कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब cos की वैल्यू जो दी हुई है वो इंसर्ट करते हैं, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस 8/17 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उधर ले जाते हैं तो ये आएगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 64/289, तो आएगा 289 माइनस 64/289, तो sin थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये देखिए माइनस का कितना आएगा, ये आएगा 5 और 2 और 2 अपॉन 289, तो देखिए कितना आएगा स्क्वायर रूट, तो sin थीटा का वैल्यू आ गया यहां पर हमारे पास 15/70, ठीक है। बस यही कैसा रिक्वायरमेंट था जो मेरे पास था नहीं, और सारी वैल्यूज तो जो हमने 10th क्लास में चार्ट सीखा है उससे ही निकाल लेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज cos 30, √3/2 cos थीटा, फिर cos थीटा क्वेश्चन में गिवन है 8/17 माइनस sin 30, sin 30 इज 1/2 और sin थीटा अभी निकाला मैंने वहां पर 15/17। बस कैलकुलेशन वाला पार्ट काफी बड़ा होने वाला है, अदरवाइज वैल्यू सिंपल पुट करनी और आंसर निकालना है। प्लस नाउ अगेन cos 45, cos 45 होता है 1/√2, फिर cos थीटा क्वेश्चन में गिवन है 8/17 प्लस sin 45, उसका वैल्यू 1/√2 होता है और sin थीटा वो भी निकाला हमने 15/17 प्लस ब्रैकेट। अब cos 120, अब cos 120 के लिए थोड़ा स्प्लिट लेना पड़ेगा, मैं अलग से निकाल के दिखाता हूं। अब cos 120 क्या होता है, देखिए cos 90 प्लस 30, अब 90 पे ये आपका 90 रहा पाई बाय 2, इस पर रेशियो चेंज हो जाता है इस लाइन पर, तो ये होगा sin 30, 90 में कुछ ऐड कर रहे हैं आफ्टर स्कूल, सेकंड कॉलम किसका है, sin का है, आपने cos चेंज किया है माइनस 30, तो व्हाट इज माइनस sin 30, sin 30 इज 1/2, तो आंसर हो गया माइनस का 1/2, तो cos 120 का वैल्यू हो गया माइनस का 1/2। अब cos थीटा, cos थीटा क्वेश्चन में गिवन है 8/17 प्लस sin 120, तो जैसे मैंने आपको cos 120 निकाल के दिखाया है, ऐसे मैं आपको sin 120 निकाल के दिखाता हूं। तो देखिए sin का 120 कैसे लिखेंगे, sin 90 प्लस 30, बात वही 90 मतलब π/2 पे रेशियो चेंज होता है, तो कितना आएगा, ये आएगा cos 30, 90 में कुछ ऐड कर रहे हैं, फिर सेकंड क्वाड्रेंट sin का कॉलम है, sin ही चेंज हुआ है सेम रहेगा, एंड व्हाट इज cos 30, cos 30 इज √3/2, तो ठीक है, तो sin 20 का वैल्यू हो गया √3/2 और sin थीटा वो मैंने निकाला ही था 15/17। अब आप ये समझ लीजिए इस पूरे कैलकुलेशन को सॉल्व करना है और फाइनल आंसर लेकर आना है, बस वही हमारा फाइनल आंसर होगा। आप लोग अक्सर देखिए ये 2 से चला गया 4, तो ये आपके पास बचा 4√3/17 माइनस
यहाँ कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो 15 अपॉन 70 टू द 34, ठीक है। अगला स्टेप प्लस, यहाँ फिर कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो 8 अपॉन 17 रूट 2 और प्लस 15 अपॉन 17 और रूट 2, कुछ हुआ नहीं, सिंपल सॉल्व करना है इसको। यहाँ पर देखिए बिल्कुल कैंसिल आउट हो रहा है, तो माइनस 4 अपॉन 17 और प्लस यहाँ भी कुछ कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा, तो 15 रूट 3 अपॉन 34, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं देखिए कितना आएगा, 34 इसका एलसीएम आएगा, तो 17 टू द 34, तो 2 इंटू 4 इज 8, 8 रूट 3 और माइनस का 15, प्लस यहाँ एलसीएम देखिए कितना आएगा, यहाँ आएगा 17 रूट 3, तो सिंपल हो गया, तो 8 प्लस 15, फिर प्लस अभी एलसीएम कितना आएगा देखिए, 34 ही आएगा, तो 17 टू द 34, 2 इंटू माइनस 4 इज माइनस 8 प्लस 15 का रूट 3। तो देखिए बेस बिल्कुल सेम है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आएगा देखिए, 8 रूट 3 माइनस का 15 माइनस का 8 और प्लस का 15 रूट 3 अपॉन 34 और प्लस, फिर ये लिख लेते हैं, तो 15 और 8 हो गया आपके पास 23 अपॉन 17 का रूट 2। अब जरा सॉल्व करते हैं इसको, कितना आएगा, तो ये आएगा 15 प्लस 8 इज 23 रूट 3 और 15 माइनस 8 अगेन इज माइनस का 23 अपॉन का 34 प्लस, अब कुछ कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा, तो 23 अपॉन 17 और रूट 3, ऊपर से 23 कॉमन आ रहा है, तो 23 निकालते हैं बाहर, तो कितना बचेगा देखिए, रूट 3 माइनस 1 अपॉन 34 और प्लस यहाँ कर कितना बचा, 23 अपॉन 17 का रूट 2। अब पूरे ऊपर से 23 बाहर आ रहा है और देखिए यहाँ 17 और 34 में से 17 बाहर आ रहा है, तो देखिए कितना बचेगा, ये बचेगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस ये भी बाहर है और ये भी बाहर है 1 अपॉन रूट 2। बस एक सिंगल एलसीएम और ले लेते हैं, उसके बाद तो फाइनल आंसर आ ही गया है, तो 23 अपॉन 17 2 रूट 2 फिर एलसीएम आ गया, तो ये आएगा आपके पास रूट 6 माइनस का रूट 2 और प्लस का 2 और अपॉन 2 रूट 2, कुछ कैंसिल आउट तो अभी नहीं हो रहा, तो एक स्टेप और अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आएगा 23 रूट 6 फिर माइनस का 23 रूट 2 फिर 23 इंटू 2 इज 46, ठीक है, होल अपॉन 17 टू 34 रूट का 2, ठीक है। तो ये रहा इस पूरे एक्सप्रेशन का मेरा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिख दिया है, एक अच्छा सा क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है कि a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा बराबर c एंड अल्फा बीटा आर इज रूट्स, देन प्रूव करके दिखाना है एक्सप्रेशन आपको। अब क्वेश्चन में लॉजिक थोड़ा सा ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैंने जो मुझे गिवन है उसको मैंने यूज किया, ठीक है। क्वेश्चन में ट्रिक ये है कि यहाँ पर cos 2 थीटा और sin 2 थीटा का फॉर्मूला डालना है tan की टर्म्स में, ठीक है, बताता हूँ क्या होता है। तो a, अब cos 2 थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसे ही। प्लस b, अब sin 2 थीटा का फॉर्मूला tan की टर्म्स में वो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू c। अब एलसीएम लेते हैं, तो देखिए एलसीएम कितना आएगा, क्योंकि बेस तो सेम ही है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपल, तो a माइनस a tan स्क्वायर थीटा प्लस 2b tan थीटा और इज इक्वल टू c, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा a माइनस a tan स्क्वायर थीटा प्लस 2b tan थीटा इज इक्वल टू c और प्लस c tan स्क्वायर थीटा। तो सबको उधर ले जाते हैं और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं, तो किस तरह से देखिए, 0 इज इक्वल टू, तो c tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, इस tan स्क्वायर को उधर लेके जाते हैं, तो देखिए कितना हो गया, प्लस a tan स्क्वायर थीटा, फिर ये tan वाले को लेके जाते हैं माइनस का 2b tan थीटा, ठीक है, प्लस का c अभी भी वही लिखा हुआ, प्लस a को उधर लेके गए तो माइनस का a। अब एक काम करते हैं, ये 0 अपना उधर ही लगा लेते हैं। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म कैसे दूंगा मैं, इसमें मैं tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेता हूं, तो c प्लस ए आ जाएगा, फिर माइनस का 2b tan थीटा और प्लस का c माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म कैसे आया, a x स्क्वायर b x प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें x क्या डिनोट कर रहा है मेरा, tan थीटा। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। अब दिक्कत है क्योंकि x का वैल्यू tan थीटा है,
तो अल्फा बीटा रूट्स मालूम है क्या होंगे, फिर यहां होंगे हियर टेन अल्फा एंड टेन बीटा आर द रूट्स ऑफ मैंने क्वेश्चन वन मान लिया है इक्वेशन वन. तो उस नियम के हिसाब से अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो हम उस इक्वेशन के सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें सम ऑफ द रूट मांगा हुआ है. तो देखिए सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वो होता है माइनस का बी बाय ए. अब देखिए अगर बी की बात करें तो माइनस का टू बी तो हमारा बी है और अपॉन ए, और ए क्या है हमारा ए प्लस सी. तो देखिए माइनस एक बाहर है लगाए रखिए. अब ये बी का वैल्यू कितना हुआ माइनस का टू बी, और ए का वैल्यू कितना हुआ ए प्लस सी, और माइनस से माइनस चला गया, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी. तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा का वैल्यू आ गया टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी. तो देखिए भाई हमें प्रूफ करना था, मान लीजिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी निकालना होता तो समझ लीजिए, तो टेन अल्फा इंटू टेन बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला सी अपॉन ए. तो सी कितना है हमारे पास, सी है हमारे पास सी माइनस ए, स्मॉल सी माइनस ए, ठीक है, और अपॉन ए, ए आपके पास ए प्लस सी है, ठीक है. तो ये देखिए हमारे पास tan अल्फा इंटू टेन बीटा का अगर फॉर्मुला मांगा गया होता तो उसका वैल्यू भी आ गया और tan अल्फा प्लस tan बीटा का वैल्यू भी आ गया, ठीक है, फिनिश हुआ क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक ट्रिकी क्वेश्चन है और थोड़ा ध्यान से देखिए, जितना टफ दिख रहे में आपको लग रहा है उतना टफ है नहीं, बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. पहले उससे पहले मैं आपको अपना जो डायग्राम है जो एक्स और वाई वाला प्लेन वो बताता हूँ. ये है आपका जीरो, ये आपका पाई बाय टू, पाई, थ्री पाई बाय टू और टू पाई. तो ध्यान रखिएगा पाई बाय टू और थ्री पाई बाय टू पर आपका जो रेशियो होगा वो चेंज होगा, और पाई और टू पाई या पाई के किसी मल्टीपल पर आपका रेशियो चेंज नहीं होगा, ठीक है. तो चलिए उस हिसाब से चलते हैं, थ्री पाई बाय टू, अब थ्री पाई बाय टू रेशियो चेंज हो जाएगा. तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन हो जाएगा आपका कॉस फोर अल्फा, ठीक है. अब पाई बाय थ्री, थ्री पाई बाय टू में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो थ्री पाई बाय टू में से कुछ माइनस कर रहे हैं. आफ्टर स्कूल टू अगर निमोनिक की बात करें तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, आफ्टर स्कूल टू टेन का कॉलम है, साइन चेंज हुआ है, नेगेटिव लगना चाहिए था लेकिन दिक्कत है पावर फोर लगा है तो वो नेगेटिव पावर फोर से हट जाएगा, ठीक है. प्लस थ्री पाई, अब पाई तो यहां आता है, मैंने आपसे कहा था कि पाई का कोई भी मल्टीपल हो ठीक है वो इसी लाइन पर लाई करेगा, वो कैसे है देखिए, सिंगल पाई फिर दो पाई फिर थ्री पाई, तो थ्री पाई यही आएगा, इस लाइन पर रेशियो चेंज नहीं होगा. तो आंसर तो आपका साइन अल्फा ही आएगा, ठीक है, और पावर फोर सेम रहेगी. अब चेक फिर से करना है कि थ्री पाई में कुछ जुड़ रहा है, तो थ्री पाई यहां आता है, जुड़ेगा तो इस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट टेन का होता है, आपने साइन चेंज किया है, नेगेटिव साइन लगना चाहिए था लेकिन दिक्कत है पावर फोर है, नेगेटिव हटा देगा. चलिए इतना आ गया, माइनस का टू, अब पाई बाय टू, देखिए पाई बाय टू यहां पर है मतलब रेशियो चेंज होगा, तो कितना आएगा, सी आ जाएगा कॉस सिक्स अल्फा. अब पाई बाय टू में कुछ जोड़ रहे हैं, पाई बाय टू में जोड़ रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट, आफ्टर स्कूल साइन का कॉलम है, साइन भी चेंज किया था, पॉजिटिव रहेगा. अगर मान लीजिए किसी गलत क्वाड्रेंट में भी आते तो पावर सिक्स है, फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि इवन पावर है, नेगेटिव साइन आता भी तो उसे वो पॉजिटिव कर देता. अगला स्टेप प्लस फाइव पाई, फाइव पाई मतलब पाई का कोई भी मल्टीपल आएगा तो आप इसी लाइन पर लाई करोगे और इस लाइन पर रेशियो चेंज नहीं होता, आंसर तो साइन अल्फा ही आएगा, ठीक है. पहले चेक करते हैं अब फाइव पाई किधर आएगा, क्योंकि मुझे उसमें से कुछ माइनस करना है. तो वन पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, फाइव पाई, फाइव पाई यही आता है. अब फाइव पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, फाइव पाई में सब्ट्रैक्ट करोगे, सेकंड क्वाड्रेंट आफ्टर स्कूल, साइन का कॉलम है, साइन चेंज हुआ है, फर्क ही नहीं पड़ा, सेम साइन रहेगा, ठीक है. और अगर वही बात नेगेटिव साइन आता भी तो ये पावर सिक्स उसको वैसे ही पॉजिटिव बना देता, ठीक है. चलिए क्वेश्चन बिल्कुल एक छोटे स्टेप वाला हो गया, जहां पर आप टेंथ क्लास का ट्रिग्नोमेट्री लगाने वाले हो, वो किस तरह से देखिए, अब यहाँ कॉस पावर फोर लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, ऐसे यहां पर साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर माइनस का टू. अब यहां देखिए यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा कॉस स्क्वायर अल्फा की पावर थ्री प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की पावर थ्री, ठीक है, ये बिल्कुल टेंथ वाला स्टेप है. अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए बता देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी, लेकिन अगर मुझे यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो तो माइनस टू ए बी को इधर ले आइए. तो देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर
माइनस टू ए बी का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का टू ए और बी, ठीक है। ऐसे ही ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब को कैसे डिराइव करना है पहले वो समझ लीजिए। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी और ए प्लस बी। अब मैं क्या करने वाला हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालता हूं, इसको इधर ले आऊंगा, तो देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का थ्री ए बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये वाली आइडेंटिटी मैं फिर यहां पुट करूंगा, ये पूरा ए क्यूब और ये पूरा बी क्यूब, तो ये है ए प्लस बी का होल क्यूब, तो माइनस का टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, चलिए लगाते हैं, तो ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का थ्री ए बी, अब ए कितना है पूरा कॉस स्क्वायर, बी कितना है साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा और फिर ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो फिर से वही कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और ब्रैकेट बंद। व्हाट इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, वन, तो ये कितना आ गया देखिए, वन का स्क्वायर वन, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का टू, ये देखिए फिर वन हो गया, वन का क्यूब वन ही होगा, तो वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा ये भी वन हो गया, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो थ्री माइनस सिक्स साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस टू प्लस सिक्स साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा, देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो थ्री माइनस टू दैट इज इक्वल टू वन, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आ गया वन। हमारे व्यूअर्स को अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट शेयर लाइक भी कर दें, और आपको अगर किसी तरह का कोई क्वेरी है तो आप अपना क्वेरी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है उस पर सेंड कर सकते हैं। आप हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों में कलीग्स में फ्रेंड्स में शेयर कर दें, और किसी भी तरह का कोई क्वेरी है अगर किसी भी क्लास के लिए मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ तो आप हमें सेंड कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन हम जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करेंगे।